बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जड़ चल हर चल नव चल नाना जय चढ़ चेतन जीव जहाना मत कीरत गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाउ। लोक और वेद मने लोक मने अपना और वेद मने परलोक और वेद शास्त्र इसमें इसके अलावे और कोई उपाय नहीं है। आज के समय में भी वो प्रभाव चमत्कार है सनातन में कि आप में आज के समय में भी वो प्रभाव है कि आप उस नित नियम से चलिए तो एक हाथ से धर्म करो एक हाथ से उसका फल लो। परमानंद का नृत्य अलग ही है, आंखों में आंसू बरसता है उस नृत्य में, उसमें फिर हृदय हृदय रोलिंग होती है, हृदय में रोलिंग होती है। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ और ये दर्शन ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं, ठाकुर जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं संतों तक पहुँचूँ और संतों से बातचीत करूँ, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा, राधा रानी की ऐसी कृपा है कि संतों का सानिध्य मुझे मिल रहा है। आज के समय में बहुत कम कमंडलधारी संत मिलते हैं जो हाथ में कमंडल लिए हों और भाव से चलते चले जा रहे हों। तो ऐसे ही एक महाराज जी का दर्शन हुआ, महाराज जी से तो बातचीत हम करेंगे सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में कि हमारा सनातन धर्म हमारी सनातन संस्कृति कितनी प्रबल रही और कैसे विश्व में हम विश्वगुरु जाने जाते थे। तो उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सब भक्ति में तो हैं लेकिन सनातन धर्म में रहकर हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो महाराज जी बहुत अच्छे से बताएंगे। महाराज जी के हाथ में माला है और साथ में जो है महाराज जी भाव से एकदम जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्री ऋषि लगते थे, संदीपनी लगते थे, वैसे भाव लग रहा है महाराज जी का। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे जी। राधे श्याम जी। सनातन धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और विश्वगुरु हम जाने जाते थे। तो अब हम सबको क्या करना चाहिए कि फिर हम मारा देश विश्वगुरु हो और फिर वही जैसे भक्ति का द्वापर त्रेता युग में भाव था वैसे ही भाव रहे। सनातन धर्म तो आज से नहीं, सृष्टि के शुरुआत से ही है जी। सनातन उसको कहते हैं अपनी बोली भाषा में जिसमें सना हो जी। वही सनातन है जी। सृष्टि के शुरू से सृष्टि के आज तक जो प्राप्त हो, जो अक्षुण्ण हो, जिसका कभी नाश न हो, वह सनातन होता है। सनातन परमात्मा है, सनातन राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सभी सनातन देवता हैं, नहीं भगवान है ये। भगवान उसी को कहते हैं जो षड ऐश्वर्य युक्त हो, उसी को भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। जो उत्पत्ति करना जानता हो, प्रलय करना जानता हो, वेद विद्याम जो वेदों का ज्ञाता हो और जो वेदों का ज्ञान कराने वाला हो, इस प्रकार से ये हमारा सनातन धर्म का रूप माना गया है। भगवान राम का सनातन धर्म में आता है, कृष्ण का नाम सनातन नाम में आता है और सनातन ही सब कुछ है। राम सनातन है, सतयुग से लेकर के कलयुग तक, अर्थात जब से सृष्टि हुई है जब तक रहेगी, जब तक ये सनातन धर्म बना रहेगा। और रह गया भारत का जो विषय है, यह सनातन धर्म प्रधान है, है ना। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया इसको, कुरुक्षेत्र बाद में धर्म क्षेत्र पहले। तो हमारा सनातन ही प्रधान है और सनातन से ही श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम सभी जगहों में, दुनिया में, तीनों लोक चौदह भुवनों में यह शुरू से अंत तक ही रहता है। और सत्य वही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सत्य चित्त आनंद वो सनातन का ही एक स्वरूप है, जिसको हम साधारण रूप में, प्रेम रूप में, सरलता के साथ समझ सकें। सत्य सत्य चित्त आनंद, सत्य क्या है और चित्त क्या है और आनंद क्या है, ये सनातन है। सत्य कहिए जो बिनसय नाही, चित्त चैतन्य सकल जग माही, सब दुख वर्जित रहे आनंदा, ताकहूँ कहिए सच्चिदानंदा। ऐसे जो भगवान हैं वो सनातन हैं। और जैसे सोना है, स्वर्ण, स्वर्ण कभी भी स्वर्ण रहता है, वो चाहे आभूषण के रूप में कुछ भी कोई बना ले, चाहे हाथ की अंगूठी बना ले, चाहे मुकुट में लगा ले,
चाहे गले का हार बना ले, लेकिन वो सोना पहले था, सोना हार के रूप में है, और जब वो टूट जाएगा तो भी सोना ही रहेगा। जैसे सोना कोई कीचड़ में गिर गया, लेकिन उस सोना में कोई विकृति नहीं आती है, ऊपरी आवरण से वो दिखता है कि कीचड़ लग गया, लेकिन उसके अंदर उसका कोई असर कसर नहीं आता है। और सोना जैसे एक नमूना है, एक उदाहरण है, एक सिंपल दिया गया छोटे रूप में, ऐसे ही वो सनातन धर्म है, वो शुरू से अंत तक का उसका विस्तार है और विस्तार रहेगा। और बीच में जो कुछ विधर्मियों का जो अपना अपना धर्म प्रकट हो जाता है, ये सब बीच वाले हैं, आने और जाने वाले हैं। जी आने जाने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं, इनसे कुछ न बनता है न कुछ बिगड़ता है, स्वयं बिगड़ जाते हैं, वो स्वयं बिगड़ जाते हैं, स्वयं बिगड़ जाते हैं, और अंत में हमारा सनातन ही मुख्य रूप में बना रहता है, रूप से रहता है। जी हाँ, इसलिए हर किसी इंसान का कर्तव्य होता है अपने सनातन धर्म को देखे और समझे, अपने स्वरूप को देखे, स्वयं अपने जगह पर बैठ करके थोड़ा चिंतन करे तो उसको सनातन का अपने आप अनुभव होने लग जाएगा जी। कि हम सनातन से आए हैं और उसी सनातन में जाएंगे, हमारी जड़ पाताल से नीचे तक है और आगे ब्रह्मलोक से ऊपर तक है, इसको कोई कम नहीं कर सकता है और कोई कम नहीं कर सकता है, मैंने कोई किसी प्रकार से इसको धोखा नहीं दे सकता है, स्वयं धोखा खा जाता है और वो अपने आप में सनातन सनातन ही है। इसलिए लिखा हुआ है सनातनम रामम अहम भजामी, जो सनातन राम है हम उसका भजन करते हैं। इसलिए राम और कृष्ण शिव ये जो हमारे देवता हैं ये सनातन हैं, और उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वही सृष्टि का पालन करते हैं और वही सृष्टि का संहार करते हैं। हम लोग तो आने जाने बीच वाले हैं, लेकिन जो सनातन को पकड़ करके रहता है वो उसका जो है भगवान तक पहुंच है जी। और लेकिन नई पीढ़ी महाराज जी बहुत तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है, पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही है, इसका कुछ कारण ऐसे लग रहा है जी कि आजकल का जो खान पान है जी, आजकल का जो संगत है जी, वो बिल्कुल विसंगत है, और भोजन जो हम लोग करते हैं ना उसमें भी अंतर है जी। संगत का प्रभाव विदेशियों का संग हो गया, विशेष विदेशियों का प्रचलन आ गया हमारे यहाँ, इससे हम अपना भूल गए, इसलिए हमारा जो जन्मेशन है वो परिवर्तन में हो रहा है। लेकिन जो अभी भी जो इस बात को जानते हैं, धार्मिक प्रकृति के हैं, अभी भी अपने संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, अच्छा नियम व्रत करते हैं, हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि एक राक्षस भी कोई विशेष काम करने को जब जाता था तो पहले तपस्या करता था, राक्षस भी पहले तपस्या करता था, और इतिहास इसका प्रमाण है, प्रमाण भी है। और हमारे संत तपस्या करते थे, गृहस्थ भक्त तपस्या करते थे, संतान उत्पत्ति करते थे, तो उनके आज्ञाकारी पुत्र और दीर्घायु पुत्र, आरोग्य पुत्र प्राप्त होता था और माता पिता की सेवा होती थी उस समय पुत्रों के द्वारा। लेकिन अब आज का जो सृष्टि का जो प्रकरण चल गया है, उनको न तपस्या करना है न कोई व्रत करना है, जानवरों के जैसे संतान पैदा करना है जी। अब वो भाव जब सत्संग होगा, सत्संग में सारा ज्ञान होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो जल चल थर चल नभ चल नाना, जय चढ़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूति बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाऊ। लोक और वेद मने, लोक मने अपना, और वेद मन परलोक, और वेद शास्त्र, इसमें इसके अलावे और कोई उपाय नहीं है। अपना आचरण एकांत में सही बनाए रखे, एकांत परिवार में होते हुए भी जी, यही समझे कि भगवान का है, हम भगवान के हैं, और घर में पवित्रता, आचरण साफ सुथरा, सत्यता बनी रहे, ऐसे लोगों का सत्संग प्रभाव देता है। आजकल का तो ज्ञान गेंद है, ज्ञान गेंद है, और हृदय दीवाल है, है ना, श्रोताओं का दीवाल हृदय, और इधर से ज्ञान का गेंद मारा जाता है तो ज्ञान लौट करके वहीं वापस आ जाता है, जैसे दीवाल पर कोई गेंद मारे तो उसी के पास आएगा जी। तो इसीलिए कहने वाले और सुनने वाले दोनों में बड़ा अंतर हो गया है, इसलिए हमारा समय का प्रभाव है। दूसरी बात, कलयुग है जी, कलयुग का प्रभाव कलयुग है, ये कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार
राम गुण गाना, नाम गुण गाना, ये जितना भी योग यज्ञ तप तपस्या है ना, ये सब का विधि विधान कुछ और है और हम आज कुछ और विधि से कर रहे हैं। इसलिए वो होता तो है, आपका धन खर्च होता है, आपका समय जाता है, उसमें मेहनत भी लगता है, सब होता है, लेकिन वो सफलीभूत इसलिए नहीं होता है कि सबके अंदर लोभ की व्यवस्था बन गई है जी। जो परमार्थी होता है महाराज, वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है जी। मन से, वचन से, कर्म से, उस सत्कर्म का जो स्वरूप बताया है, उस स्वरूप के अनुकूल करे तो बिल्कुल एक हाथ से दो, एक हाथ से लो जी। आज के समय में भी वो प्रभाव चमत्कार है सनातन में, कि आप में आज के समय में भी वो प्रभाव है कि आप उस नित नियम से चलिए तो एक हाथ से धर्म करो, एक हाथ से उसका फल लो, मिलेगा। हम लोगों ने ऐसा देखा है और किया है। हाँ, इसलिए हम लोग उस रीति से नहीं चल पा रहे हैं जी। खाली चमकाओ, मुड़ हिलाओ, नचाओ, ये शिष्टाचार के विपरीत है। हाँ, वो विषय अलग था जो पहले नाचने का विधान इसमें भी है, भागवत जी में भी है जी। लेकिन उसका नृत्य अलग ही है, अलग है। हाँ, आजकल परमानंद की ओर ले जाता है, परमानंद का नृत्य अलग ही है। हाँ, आंखों में आंसू बरसता है उस नृत्य में, उसमें फिर हृदय रोलिंग होती है, हृदय में रोलिंग होती है। हाँ, आजकल तो खाली मुस्कान होता है जी जी जी, वो भगवान के लिए नहीं होता है जी। हाँ हाँ, एक दूसरे को नाचते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, तो ये सब विषय बड़ा अंतर है, सब कलयुग का कुछ अंतर पड़ गया है। और मूल बात यही है, सत्संग का अभाव है हमारे समाज में, सत्संग का अभाव। हाँ, वो जैसा चाहिए वैसा सत्संग नहीं है जी। सत्संग तो इतना हो रहा है कि पहले 50 साल पहले हम लोगों को कहीं 10 कोस पर मालूम होता था कि कहीं यज्ञ है जी, कहीं सत्संग हो रहा है जी, कहीं 1.5 साल पर जी। और वो सत्संग वास्तविकता में सत्संग का भाव था। आज जहाँ देखो वही सत्संग हो रहा है, जहाँ देखो वही सत्संग हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कितना है जी, बदलाव नहीं है। अब आप विचार करिए, लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, ये हमारा सनातन नियम है जी। तो अब ये जो रामानंद सागर ने जो टीवी बनाया रामायण सीरियल, एक जगह ग्वालियर में हमारी बात हो गई थी, बोले बहुत कुछ दे दिया समाज को, हमने दिया, सीखा कितना पैसा पॉकेट में दे दिया देने वाला, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं जी 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 जी। तो उन्होंने क्या बहुत कुछ हुआ, हम कहा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा एक बात बताओ जी, तुम्हारे घर में लड़के बच्चे हैं, जब से रामायण देखा है जी कितना परिवर्तन आया, तो तुम्हारे लड़के तुम्हारा पांव छूता है जी जी, बोलो जी। तुम अपने पिता के पांव छूने लग गए क्या जी? अगर छू रहे हो तो पहले से छूते आ रहे हो जी। ये हमारा ये नियम था, ये परंपरा रही है कि पिता का पैर छूना, माँ का पैर छूना, बड़ों को प्रणाम करना, हर तरह से अगर छू रहा है तो पहले से ही छू आ रहा है, ये चल रहा है छूने का। और रामायण देखकर कितने प्रतिशत में लोग पांव छू रहे हैं जी, कितने प्रतिशत माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। आजकल तो वृद्धा आश्रम बन गया, माँ बाप से छुट्टी पा गए, माँ बाप को धर देते हैं, चलो वृद्धाश्रम बन गया, काहे को बन गया जी। तो ये सब क्या है, ये अनर्थ है। माँ बाप की सेवा से विमुक्त होना, दूर हो जाना, ये समझिए कि पाप ही है। हाँ, अब माँ बाप को क्या बीत रहा है जी। ऊपर से तो भले वो दिख रही है कि यहाँ खुश है, लेकिन अपने संतान की ओर जब दृष्टि घुमाती है तो दुखी होती है आत्मा। हाँ? फिर वो बच्चा कैसे आगे उसे मिलेगा, और फल क्या उनका भी वही होगा, ये तो स्वाभाविक है, परंपरा बन गई है। आप भी किसी दिन वृद्ध होंगे, उनकी माँ भी कभी, उनकी पत्नी भी वृद्ध होंगी कभी जी, तो उनको भी वृद्धाश्रम का दिखाई देगा, वो क्या करेंगे जी। इसलिए ये सब विषय बड़ा विचित्र है, कहने सुनने में सुनता अकथ कहानी, समझत बने इन जाई बखानी। हाँ, ठीक है। महाराज जी ने बड़े भाव से बताया और वो बताया कि सत्संग हो रहा है, लेकिन जैसे सत्संग की परिपाटी पहले थी सतयुग द्वापर त्रेता में, वैसी नहीं है। अगर वैसी होगी तो समाज में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन महाराज जी की इस बीच में सबसे प्यारी और सबसे जो अच्छी बात, वो
कि अंत में सनातन धर्म ही रहेगा, ये छोटे मोटे जो बीच में आते जाते रास्ते में हैं वो सब हट जाएंगे, सनातन की ही धर्म ध्वजा फहराएगी। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे महान संत, ऐसे त्यागी और तपस्वी संत, और जिनकी वाणी में बस सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार ही, और ठाकुर जी और राधा रानी और राम जी की महिमा का बखान हो, शंकर भोलेनाथ जी का बखान हो, तो आप ये समझ लीजिए कि पावन धरती पर ऐसे संत का सानिध्य धन्य करने वाला है, पुण्य करने वाला है। महाराज जी का आशीर्वाद सभी तक पहुँचे। मैं निवेदन करूँगा महाराज जी से कि एक बार हमारे सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, जिससे हम लोग भी सद्बुद्धि पे चलें, सद रास्ते पे चलें, सद्मार्ग पर चलें। जय हो, जय जय, सब खुश रहे, मस्त रहे, दुरुस्त रहे, सनातन बन करके रहें, सनातन धर्म की छाया में रहें, और जहाँ भी रहें माता पिता का जरूर ध्यान दें, समाज की सेवा, मातृभूमि की सेवा, यही हमारा परम लक्ष्य है, यही हमारा जीव का संस्कार होना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, इसका ध्यान रखना ये सबसे बड़ी आवश्यकता की बात है। और सभी हमारे मीडिया वालों को खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब फले फूलें, और फल फूल करके खूब समाज का सही प्रचार करें जी। हाँ, और सही बातों पर विचार करके, प्रचार करके धर्म का प्रचार करें, जिससे जो नहीं जानते हैं उनको भी सनातन का ज्ञान हो। और आप लोगों का बड़ा अच्छा काम है ये। हाँ, धर्म का विषय एक दूसरे तक पहुँचाना, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है, और इसका भी एक फल है। जो धर्म का प्रचार करता है ना, उसको भी बड़ा अच्छा फल मिलता है। हाँ, भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर, वो भगवान प्रसन्न होते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार करता है। बस संतों की वाड़ी में सोचता हूँ कि ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचे, देश और दुनिया तक पहुंचे। हाँ, बहुत अच्छा। आप जैसे संत अगर मिल जाते हैं, पहुंचेगा, पहुंचेगा, जीवन धन्य हो जाता है। पहुंचेगा, पहुंचेगा, धर्म का प्रचार करते हैं संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, आप अपने माध्यम से। इसलिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, जितने भी टीम है सबको। महाराज जी ने तो आज मुझे भी आशीर्वाद दे दिया, आप लोगों के साथ साथ मुझको भी आशीर्वाद मिल गया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि महाराज जी का भाव से आशीर्वाद मिला। तो इसी तरह से ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँगा।